अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अनदर स्वीट डिश, और क्योंकि अफ्तारी चल रही है, अफ्तारी अभी मैंने भी अफ्तारी की है, तो उसके उसमें अच्छा लगता है कि कुछ ठंडा और मीठा। तो आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, जिसको हमने बिल्कुल हल्का हल्का बारीक बारीक सा काट लिए, ठीक है। थोड़ा सा पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने मक्खन मेल्ट करके उसके अंदर इसको हमने डाल दिया, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से सौते कर लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी देर तक, जब तक हम इसको वो करते हैं, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, ये सौते हमारा तकरीबन, इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब देखिए, ये हमने दूध डाल लिया है इसमें, 1 ग्लास दूध लिया हमने, फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा। और उसको हम कर रहे हैं थोड़ा सा खुश्क, थोड़ा सा खुश्क होने के बाद ये हमने भीगी हुई सूजी ले लेनी है, आप भीगी भी ले लीजिएगा, हमारे पास थोड़ी सी लेफ्ट ओवर थी तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हमारे पास सूजी है। तो सूजी से ना इसका बड़ा ही एक यूनिक और मज़े का टेस्ट आ जाता है, क्योंकि ये फूल कर ना बिल्कुल ही अलग टेक्स्चर देगी सूजी, तो ये भी अच्छा लगेगा इसमें। तो लौकी के हलवे में हमने इसमें न्यू ही ये चीज़ ऐड की है, सूजी अच्छी लगती है। इसके बाद हम जो इंग्रेडिएंट करेंगे वो तो मैजिक इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल हमने उसके साथ मिक्सअप कर लेना है, मिल्क को हमने आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते इसको हमने कम कर लेना है कि ये बिल्कुल कम थोड़ा सा रह जाए दूध, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, और सूजी को हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से स्टीर आउट करते हुए कोशिश करेंगे कि ये इसके कोई भी लम्स बाकी ना रहें, बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगी उसके अंदर। आप जब भीगी फ्रेश लेंगे तो उससे फिर जो है वो अच्छा टेक्सचर आएगा, ये इशू नहीं होगा उसमें। अच्छा, उसके बाद हमने, अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ ये ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसमें हमने किशमिश ली है, नारियल लिया है, और ली है खजूर। ये तीनों चीज़ें हमारी बहुत फेवरेट हैं, हम हर एक स्वीट डिश के अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी भी आती हैं, लुक इनकी अच्छी होती है, और उसके साथ साथ इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हम डालने के बाद इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, और मेरी कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं, तो उसके लिए आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स में शेयर, लाइक कर दें, कमेंट्स भी कर दें। इसमें चीनी डाल दी है हमने अपनी टेस्ट के मुताबिक, आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकती हैं। तो इसके अंदर अब देखिए हमारा जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हमने जो लौकी या कद्दू जो भी आप डाल रहे हैं तो वो उसको हम डाल देंगे, जो सौते हमने कर लिया था, पानी उसका खुश्क हो चुका था और वो तकरीबन गल चुका था, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने उसको ऐड अप कर दिया। तो ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको 5 मिनट तक मज़ीद पकाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारी जो है वो रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो देखिए जी, हम 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए, हाँ, काफ़ी हद तक ये 5 मिनट के बाद इस कंडीशन पे आ चुका है, और अब हो चुके हैं इसको 10 मिनट। 10 मिनट में ये माशाल्लाह इतना मज़ेदार और इतनी अच्छी खुशबू वाला हमारा हलवा, लौकी का हलवा हमारा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसको हम अभी जी, ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी मज़ेदार कंसिस्टेंसी है। अभी सो हम इसको थोड़ी देर में हम डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि ये तकरीबन हमारा डन हो चुका है। तो 99% तो हमारा डन हो चुका है, इसको मज़ीद हम कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा रहे हैं। देखिए जी,
इतनी प्यारी खुशबू और ये क्रीमी क्रीमी सा इस वजह से है क्योंकि हमने इसमें दूध ज़्यादा डाला है। आप भी कोशिश कीजिए किया करें कि जब भी हलवे बनाएं तो दूध ज़्यादा डाला करें, क्योंकि बच्चे बूढ़े और बुज़ुर्ग और बड़े सब शौक़ से खाते हैं दूध की चीज़ें, और दूध आजकल हम इतना यूज़ नहीं करते, बच्चे भी इतना शौक़ से नहीं पीते। तो आप इसमें डेली रूटीन में बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दिया करें। अब क्योंकि लौकी भी हेल्दी है, ठीक है, और वैसे नहीं खाया जाता कद्दू इतना, लेकिन इस हलवे की फॉर्म में आप अगर बना के अपनी फैमिली को खिलाएं तो ये सुन्नत नबी भी है, और ये बहुत अच्छा जो है हमारा एक वेजिटेबल है, इसको यूज़ ज़रूर किया करें अपने खानों में। तो अब हमारा जो लौकी का हलवा है या कद्दू का हलवा है, जो भी आप इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं, और वो हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ लाजमी कर दीजिएगा। और ये देखिए जी, एक प्यारी सी प्लेट में हम उसको कर लेंगे डिश आउट, और बहुत ही शानदार मज़ेदार यमी सा हमारा हलवा। इसको ठंडा कर लें, चिल्ड करने के बाद इसको आप अफ्तारी में यूज़ कर लें, अपने गेस्ट को दें। गेस्ट अगर आने वाले हैं तो बना के टाइम से पहले शाम को रख दें, रात को सुबह को अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो मज़ेदार सा आपका जो है हलवा सबको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो लाजमी आप लोगों ने इसको ट्राई भी करना है।